सालों से यहाँ ये सेंटर चल रहा है और हमारा प्रदेश का जो सबसे बेसहारा शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों को यहाँ घर दिया है, जगह दिया है। दीपक नाभम जी ने जितना भी काम किया है किसी शब्दों में इसको बयान करना मुश्किल है, क्योंकि ये इंसानियत का मैं मानता हूँ सबसे बड़ा सेवा इन्होंने यहाँ दिखाया है। और इसमें कई लोग जुड़े हुए हैं, दीपक नाभम होम के साथ कई महिलाएं और भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने जो सब जुड़े हुए हैं। मैंने पहले भी आकर के यहाँ देखा था, कुछ चीज़ मदद पहले किया, लेकिन मैं लगता है कि आज एक एम्बुलेंस दिया है लेकिन ये छोटा सा है, थोड़ा ज़्यादा मदद करना पड़ेगा। और भी यहाँ खास करके जो रहने के लिए इनमेट्स लोगों का जो रहने का रूम है, वहाँ चारपाई, कपड़ा और मॉस्किटो नेट्स और जो बेसिक किचन का जो सामग्री है, ये सारा चीज़ को तुरंत हम लोग देखभाल करना पड़ेगा। मैं वादा दिया हूँ कि पहले भी मदद किया है और जितना जल्दी हो सके, मैं तो अभी ये सब मदद के लिए मैं अरुणाचल सरकार से पैसा लेता नहीं हूँ, मैं बाहर से मेरा अपना ताकत अपना रिसोर्सेस से जितना भी पैसा मैं लाता हूँ मैं अरुणाचल में बांटता हूँ। अभी यहाँ भी ऐसा रिसोर्स गार्जियन को बुलाकर यहाँ बात करना पड़ता है, सपोर्टिंग कैसे आगे ले चलना चाहिए उसी का था। और उसके साथ साथ यहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर को बुलाया गया और ऑनरेबल मिनिस्टर एम्बुलेंस भी साथ में उसी मौके पर एम्बुलेंस भी एक दिया गया है, उसी का है। सर, आपके इस होम के बारे में बता दीजिए, कितने यहाँ पे लोग हैं, कितने और कितना फंडिंग हुई है अभी तक सरकार की तरफ से, कितनी आपकी ज़मीन है द्विमुख में, ये सब बताइए। देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में पास किया हुआ और उसी के आधार में यहाँ अरुणाचल प्रदेश में मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट का हब वे होम फॉर मेंटल डिसेबिलिटी कहीं अरुणाचल में है बोलने से मात्र यही है, सिंगल लौता पिस्ट है। और सारे अरुणाचल का, सारे ये नॉर्थ ईस्ट का, इवन नेपाल से ऐसे लोग यहाँ पे जो मेंटली चैलेंजेस मेंटली रिटार्डेड लोग यहाँ जमा भरा। और इसी वक्त एट प्रेजेंट ऑन रिकॉर्ड कि ये 315 है। और कितने आपकी ज़मीन और कहाँ पे है? और ज़मीन तो यहाँ एक्चुअली यहाँ फिजिकली चैलेंजेस लोग भी है, ये सेग्रीगेशन किया जाएगा, यहाँ से शिफ्ट नहीं करेगा, यहाँ भी चलेगा क्योंकि इतने देर सारे पॉपुलेशन अभी जो है फिलहाल इसी वक्त दायमुह में सोपों में 21,000 स्क्वायर मीटर। ये हमारे लास्ट टाइम जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर लास्ट टाइम जब विजिट हुआ था तो उन्होंने यहाँ पे 50 लाख का अनाउंस करके गया, लेकिन वो लैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का वादा किया था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का यहाँ जगह का तोड़ा लैंड डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे खर्चा ज़रूरत होगा तो इसलिए एक्सपेंसिव होगा, तो ये बात करके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं हो पाएगा। तब मैं ऑनरेबल सीएम साहब से कहा कि आप हमें ये जो 50 लाख देने का बात कहा, 50 लाख पैसा नहीं दे के हमें ज़मीन ही दे दीजिए। तब कहने के कारण सीएम साहब तब तो वही ठीक रहेगा, वो कि दैमोह में अभी जो ज़मीन ले दिया वो गवर्नमेंट की ओर से नहीं, वो अपना प्राइवेट सीएम साहब से मदद किया और अभी वहाँ तो ज़मीन तो लेके रखा लेकिन अभी तक कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वो है ही नहीं। सरकार की तरफ से आपको क्या क्या मदद मिली? आईएमसी से कितना मिला? और आईएमसी से भी आपको कुछ मिला? नहीं, आईएमसी से यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है एक 10 इनमेज का, 10 पेशेंट का, ये 5 रूम में, उसमें छोटा रूम में 2, मतलब ये करके कॉस्टिंग उसमें ये 24 लाख ऐसे कुछ है, लेकिन उसमें तो ये करके कमती है, लेकिन गवर्नमेंट का इधर उधर करके वो तो जानता ही ना। तो अभी जो है फिलहाल गवर्नमेंट की ओर से ग्रांट इन एड जो है अभी ऑफिशियली नहीं किया है, और वन टाइम जो 25 लाख के लिए लास्ट टाइम जब बीडी मिश्रा साहब जब गवर्नर था उन्होंने यहाँ का जो कमिश्नर प्लानिंग से फोन ऑन करके और यहाँ का डिप्टी कमिश्नर से जब ये करके अर्जेंट रिलीफ ऑन रिलीफ बेसिस में 25 लाख दिया था और उसके बाद अभी गैप होके बैठ गया, तो उसको मैं पायल को अभी दौड़ रहा हूँ। और क्योंकि इतने 315 इनमेज जो मेंटली चैलेंजेस वो भी मेंटली रिटार्डेड उन लोगों को सेवा करना
ये किसी ये से चैलेंज से इतना मैं उसे बयान भी नहीं कर पाता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट का सपोर्टिंग बेहद ज़रूरी है। और अभी तक जो अभी फाइल में तो प्रोसेस कर रहा है बोल रहा है, लेकिन अभी तक हाथ में तो आया नहीं, वो तो क्लियर बात है। डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, मेडिकल डॉक्टर ये चंबर है, डॉक्टर ये दैमोह मेंटल हॉस्पिटल से गवर्नमेंट यहाँ डॉक्टर को दिया गया है। और एम्बुलेंस तो लास्ट टाइम जब ये ऑनरेबल CM एक एम्बुलेंस दिया था, वो एम्बुलेंस तो चल ही रहा है। और आज एक ऑनरेबल जो मिनिस्टर किरण रिजिजू सर एक दिया, और ये मेरे लिए और ये जो टेक्निकल पार्ट में थोड़ा सपोर्टिंग मिला है। किरण रिजिजू जी से आपने क्या क्या डिमांड करी आज, फाइनल डिमांड? नहीं, आज मैं कुछ भी डिमांड नहीं किया, वो खुद विजिट किया है और विजिट करके सिर्फ पब्लिक के सामने पब्लिक डोमेन में बता दिया कि फ्यूचर में जो देखना है देख लेगा।